वेबिनार कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कटिबंध, ठीक है। आपको सबसे पहले बोले कटिबंध होता क्या है ये जानना, तो आप क्या परिभाषा कहोगे? प्रत्येक गोलार्ध को तार के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, वह भाग क्या कहलाता है? कटिबंध। क्या कहोगे एक बार फिर से? प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उस भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। देखो जैसे जीरो से लेकर नब्बे तक कितना है, जीरो तीस पैंतालीस छियासठ नब्बे, जीरो तीस पैंतालीस छियासठ नब्बे, दोनों साइड नाम एक ही है, तो आप एक बार स्पीड में क्या बोलोगे? उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण ध्रुवी कटिबंध। क्या बोलोगे? उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण ध्रुवी कटिबंध। देखो उष्ण, ठीक है, उपोष्ण शीतोष्ण और ध्रुवी कटिबंध। देखो इधर भी वही है, उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण और ध्रुवी कटिबंध। क्लियर है? नाम याद हो गए कि जीरो से तीस तक दोनों साइड क्या होता है? उष्ण। क्लियर है? देखो जीरो से तीस, जीरो से तीस, तीस से पैंतालीस तक क्या होता है? उपोष्ण। इधर भी तीस से पैंतालीस तक क्या होता है? उपोष्ण। पैंतालीस से छियासठ तक क्या होता है? शीतोष्ण। और छियासठ से नब्बे तक क्या होता है? ध्रुवी। क्लियर है? आप बस इनको एक साइड याद रखने के सबसे पहले क्या बोल दोगे? बोले जीरो तीस पैंतालीस छियासठ और नब्बे, ऐसे काउंट कर लिया। फिर क्या बोलोगे? उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण ध्रुवी कटिबंध, ठीक है। अब बात कर रहे हैं उष्ण की, दोनों साइड परिभाषा एक ही होती है। बोले यहाँ वर्ष में दो बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, यहाँ वर्ष में दो बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, इसलिए इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। देखो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी हो गई, अब फिर घटता जाएगा। अब क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। परिभाषा भी सरल है, आपको मदद करेंगे याद होने में। इस तरीके से सोचोगे उपोष्ण, यहाँ कुछ महीने ताप अधिक कुछ महीने ताप कम, शीतोष्ण यहाँ ताप हमेशा कम, ध्रुवी बोले यहाँ ताप अत्यंत कम, अतः बर्फ जमी रहती है। क्लियर है? ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप एक दो बार वीडियो देख लिया करो, आपको याद जरूर हो जाएगा, निश्चिंत रहो। धन्यवाद।